आज कुछ नया देखते हैं हम लोग। आप देख ही रहे जो पेज खुला है इधर, ये ऑटोकैड है 2021 एंड 20 दोनों आप इस पर सीख सकते हैं। तो ऑटोकैड का मैं पूरा मेन पार्ट दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ऑटोकैड है, आर्किटेक्चर है सही है। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ जो भी सिविल इंजीनियर है उस हिसाब से इसी में मैं काम करता है, जो आर्किटेक्चर वो भी काम करते हैं। मतलब इसमें ऐसा कितना पार्ट आप कर सकते हैं, तो चलिए बात करने से अच्छा मैं इसमें कुछ आपको बीच बीच में पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको सीखना है इसमें कुछ तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को कट नहीं करें। अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। देखिए मेरा चैनल है, उस स्टेप पर मेरा चैनल आएगा आपको सामने में, सही है, इस नाम से आएगा मेरा चैनल। तो मैं अरे इसी चैनल के हम ऊपर जैसे लैपटॉप में कनेक्ट कर वीडियो एक्टिवेट करता है इसका, ये चैनल पर एक ही चैनल है। ये दोनों में से आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये भी चैनल है और ये भी चैनल है मेरा ही, मतलब दो चैनल है, दोनों में से जो भी है इधर सब्सक्राइब ऑप्शन आता है इसमें से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो बात कर बात है। चलिए अभी मैं देखाने वाला हूँ जो सिविल इंजीनियर के उसका काम भी इस पर होता है, जो आर्किटेक्चर है मतलब जो डिजाइन वगैरह करता है, कुछ सिंपल वन होता है उसका भी। तो मैं फिलहाल बात करते हैं शॉर्टकट में, मैं निकालता हूँ ये वीडियो बनाने वो हुआ इसका लिए, तो वीडियो को बने रहे पूरा वीडियो देखिए इधर से ठीक है। मैं शॉर्टकट में पहले मैं बताऊंगा, सबसे पहले आपको क्या है इसका सेटिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जो भी इसका स्पेस सेटिंग होता है ना इसका बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, सेटिंग में इतना सारा बात करेगा तो वीडियो लंबा होगा, तो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। आप इस पर जाइए स्नैपशॉट पर, इस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके ठीक है स्नैप का ऑप्शन है सेटिंग ओपन करिए। ओपन करने के बाद में इधर कुछ ऐसा पेज आएगा सही है, तो आप इसमें क्लिक करने को ओके ऐसा करके देख सकते हैं। इसमें जैसे ऐसे रहने दीजिए, इसमें भी जो सेलेक्ट है वही रहने दीजिए, चेंज नहीं करिए। जो मैं बताएगा वही ऑप्शन का चेंज करेगा, मैं नहीं बताएगा जिसका नहीं चेंज करेगा। तो इस सब में आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हो ओके, ऐसा भी सेलेक्ट कर दीजिए। इसमें ऑल का ऑप्शन भी आते हैं, बट जो ऑल का ऑप्शन नहीं दे रहे तो आप ये सबका सेलेक्ट करके रखें ओके। अब मैं अनसेलेक्ट होगा तो प्लीज़ आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद में 3G इमेज आएगा, देखिए इसमें वही चीज़ ऑल है, इधर ऑल सेलेक्ट तो ऑल सेलेक्ट करें, कहीं भी नहीं रहता है सेलेक्ट का ऑप्शन ओके। इधर भी ऐसा कुछ होगा, इधर भी, तो ये सब में नहीं छेड़ना है, इसमें राइट लेफ्ट उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको इस पर आना है ओके, ये आप सेटिंग पर आना है। इसमें कुछ कर्सर के बारे में, कर्सर का हाइट मतलब जो स्क्वायर देख रहे हैं ना, देखिए मैं अभी इस पर क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसका ऊपर है। तो इसमें कर्सर के बारे में, इसमें थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, तो क्या होता है लाइन बड़ा सेलेक्ट होता है इसमें, मतलब आपको माउस थोड़ा कमती दूर में तो भी सेलेक्ट लेगा, ये तो ये होता है। तो इसमें ऑटोमेटिक में है सब, तो इसका थोड़ा अप्लाई करें। इसमें भी है देखिए ढेर सारा ऑप्शन है, इसमें भी अब ये 13% है, मतलब ये मेरा कर्सर बड़ा है छोटा है 13% पर है, 0 लेवल है। बट इसका आप बढ़ा घटा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आपको डिस्प्ले के ऊपर कितना का डिस्प्ले चलाता है, तो मतलब आपको डिस्प्ले कितना इंच का है लैपटॉप का, चाहे पीसी हो जो भी हो, इसका थोड़ा ऐसा कम बेस कर सकता है 18-19। मैं तो 25 पर भी चलाता था, बट फिलहाल मैं चला रहा हूँ अभी 15 पर मैं चला रहा हूँ ओके। मैं थोड़ा 2% बढ़ा दिया, इसका फ़ायदा मैं देखा है। सेकेंड में सेव मोड है, तो ये सब को मैं मैक्सिमम बोलूँगा चेंज नहीं करने के। ये पोजीशन है, इस पर भी चेंज नहीं करें, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि ये सब मैं चेंज नहीं करें, चेंज करने का इसका ज़रूरत नहीं। अब जब नया नया है तो इसका ज़रूरत नहीं है चेंज करने का। सेकेंड में है डिजाइन का ऑप्शन, तो इसका आप थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसका बड़ा रखें, सही छोटा नहीं करने का कभी भी ओके। और इसमें 3G मोड नहीं है, तो देखिए इतना पावर लेड है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इतना ही रखें क्योंकि ये ऑटो सेलेक्ट होता है ओके। ये सिलेक्शन का ऑप्शन है, तो इसका थोड़ा बड़ा कर लीजिए, जितना बड़ा रहेगा आपको काम करने में उतना ईजी होएगा, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी सेलेक्ट होएगा कोई भी पार्ट। मैं देखाता हूँ इसका, मैं बैकग्राउंड में जाकर देखाता हूँ, देखिए ये तीनों मेरा ऑप्शन आता है, यूएस सब कुछ हमारा पास है सही है। तो मैं इसका अप्लाई कर देता हूँ, इतना करके बैक कर लेता हूँ ओके, बैक कर लेता हूँ। देखिए अभी मैं क्या बोला था आपको वो चीज़ देखिए, मैं बोला था जैसा कुछ लाइन लेगा, ये लाइन है सही है, लाइन इतना आया, ये देखिए ये लाइन कैसा जा रहा है, ये लाइन ऐसा जा रहा है ओके। इसका एस्केप की होएगा आपको कीबोर्ड में, चाहे लैपटॉप है चाहे जो भी है, आपको एस्केप की आएगा, की में लिखा होएगा ESC होएगा लिखा, वो की का कमाल है। जब भी आप लाइन सेलेक्ट करेगा तो कुछ इस टाइप हो जाएगा ऐसा करके, तो उस टाइम में आपको ये हटेगा नहीं, कर्सर सेलेक्शन है तो एस्केप की लेना है ओके। तो वो कर्सर
मतलब वो सॉफ्टवेयर से शेयर है। सेकेंड में पार्ट है इधर, इतना सारा सब ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आपको ये एल सेलेक्ट करना है। एल क्यों सेलेक्ट करना है? तो हर घड़ी मैंने कहीं कहीं देखिए, मैं जो भी सेटिंग बता रहा हूँ आप गौर से देखेंगे तो आपको बढ़िया बैठ। ठीक है, जैसे मैं लाइन लिया अभी से, ये लाइन कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, ओके डिस्क्राइब की करा। अभी मैं इसका एल मतलब इसका 90 बोलते हैं, इसका सिलेक्शन लेगा 90 में। जैसे देखिए मैं किधर भी करेगा 90 में जाएगा, जो भी करेगा 90 में आएगा। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? सेकेंड में है, सेकेंड में है, अब इसमें सिलेक्शन करेगा तो इसमें क्या होगा, कोई भी लाइन का इधर से उधर कर सकते। देखिए ऐसा ऐसा ये पूरा मतलब 3 डिग्री के हिसाब से घूमेगा, मतलब जिधर चाहिए आपको इतना ही में इतना ही, मतलब इस हिसाब। तो ये चीज इसी वजह से आता है, तो ये दोनों में आपको फर्क मानना पड़ेगा, ये दोनों का आपको चेंजेस मालूम होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड में हो गया ये चीज़ हटाएगा ना तो कुछ स्टेप हो या 90 का मतलब सिंपल वही सेम काम करता है। ठीक है, तो प्लीज ये चीज़ में आपको सिलेक्शन रहे तो भी फर्क नहीं रहे तो भी फर्क नहीं। ओके, ये चीज इसका ये लाइन के लिए होते हैं। ओके, सेकेंड में हो गया इसका कंट्रोल से मतलब इसका पीछे बैक करिए। अभी इतना सारा तुम्हें बना दिया, इसका मैं डिलीट करने का क्या करें, इसमें सेलेक्ट करेगा एंड डिलीट बटन कीबोर्ड से दबाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, ये डिलीट हो गया, कुछ भी गलत है तो। सेकेंड पार्ट अब फिर भी देखा रहा आपको, जैसे आप एक लाइन ले रहे हैं, सही है मेरा ये लेना है, अभी 90 में मेरा सिलेक्शन है, मैं लेना ये लाइन लेना है मेरा मतलब 100 में। ओके, 100 में लिए इंटर किया। ओके, तो ये बहुत छोटा लाइन है इसका, अभी इसका नहीं दिखाई दे रहा था आपको। क्या है इसका मास्क क्या, सेंटर बटन जो आपको नीचे ऊपर करते हैं ना, तो उसका सेंटर बटन पर डबल क्लिक करने का। देखिए लाइन बारह हो गया, अभी मैं 100 का लाइन लिया, आपको कैसे मालूम है? आपको तो मालूम नहीं, वो तो लिख के दिया, आपको इसमें डायमेंशन में जाना पड़ेगा। सही है, डायमेंशन के है ना ये सेटिंग, डायमेंशन के तो आपको एक डायमेंशन पकड़ना है आपको, इसमें पकड़ के ऐसा करके देखिए ये 100 का लाइन है। ओके, तो कुछ स्टेप पर इसका सेटिंग होता है। थर्ड में है वो, ये चीज़ आपको चेक करना है, डायमेंशन कैसे चेक करेगा? तो इसमें आपको कभी भी आपको आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर में है, बट मैं सेव मोड में रखेगा कि सेव मोड में कुछ इसका फाइल सेव करना है तो इसमें सेव करके काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप कुछ भी काम किया तो वो डिलीट नहीं होगा, तो वो तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको डिलीट तो ईजी होगा, ये तो अलग बात हो गई। अभी सही में इसमें जाएगा जब इसका 90 डायमेंशन के बारे में शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारा इसमें शॉर्टकट में सीखो, क्योंकि एक ही चीज़ पर इतना सारा बोलेगा तो बहुत टाइम होगा। तो सही है, तो मैं आपको सब अलग अलग पार्ट के बारे में देखा रहा हूँ। जैसा ये है इसका, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, 90 का हो गया ना। अभी मैं एक सर्कल लेगा, सर्कल लिया मेरा, इसका कुछ डायमेंशन मालूम नहीं, मैं डाल दिया। ओके, मैं एक और सर्कल लिया, कुछ भी डायमेंशन मालूम नहीं, मैं ऐसा डाल दिया, ऐसा डाल दिया। ओके, तब ये चीज़ का किधर से चेक करेगा? देखिए ये सर्कल है ना, इसका इस पर क्लिक करेगा ना, वो डायमेंशन बताएगा, 13 का सर्कल है। ठीक है, इस चीज़ से बताता है। सेकेंड में 90 कैसे चेक करेगा, इससे 90 चेक किया होता है, इस पर क्लिक करें, इसमें जाके वॉल्यूम टॉप 90 का ये क्विक में क्विक ले लीजिए, क्विक से डालेगा तो पूरा आएगा। देखिए इधर कितना है, इधर कितना है, सर्कल में भी ये काम नहीं करेगा, सर्कल में जो फ्रेंड काम करते थे ये लाइन में एंड 90 में ये काम करेगा क्विक वाला। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, इसमें थोड़ा देखा था बट इसमें बहुत सारे आपको इसमें मैं बताऊंगा। डायमेंशन देखिए, इधर डायमेंशन स्टाइल है, सही जो भी लेना है इसमें जाके अभी देखें, मैं इसका डायमेंशन देखा तो कितना है, ऐसा इस पर क्लिक करिए। देखिए 100 mm का डायमेंशन, सही है, इसमें पूरा सेटिंग। वो शॉर्टकट मतलब ऊपर से होते हैं, वो शॉर्टकट के लिए ऊपर यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें 90 के, सही है, 90 किधर से किधर आएगा, देखिए कितना के 90 के, सही है ना। तो 90 का डायमेंशन इस तरीके से दिखाता है, ये सर्कल का है तो इसमें क्या करेगा, ये यूज करेगा, ये यूज करेगा तो सर्कल के बारे में बताएगा। इसमें नोट सेलेक्ट बता रहे थे, जो सर्कल लाइन से लिया होगा ना वो सही सही बताएगा, जो नहीं लाइन से लिया होगा वो नहीं बताएगा, तो वो चीज़ हम लोग को देखना है। ये 2021 में ये लेना है, ये राउंड है ना, तो इसमें काम करेगा, बट इसमें नहीं कुछ डायमेंशन
नहीं है तो बहुत छोटा में है ना, इसलिए नहीं सिलेक्ट ले रहा है। तो कभी कभी आप करेगा तो चीज उसी समय सिलेक्ट हो जाएगा, ये तो शॉर्टकट हो गया, इसका मुश्किल है बट ये सब का मतलब नहीं होता सही। अभी मैं बता रहा हूँ आपको इसमें एक सेटिंग, जब भी आप काम करेगा तो आपको सबसे पहले इनू सेट करना होता है सही है। तो यू एन डे के इंटर करिए, आपको इनू सेट हो जाएगा। मैं अभी 2D में काम कर रहा, देख रहे हैं 2D वायर फ्रेम, तो आपको स्टेप आएगा। अभी मैं होम पेज में जाता हूँ, जैसे होम में गया इसमें क्या करेगा, आपको कंट्रोल पैनल से यू एन टिपने का, एंटर करने का, कुछ इस टाइप का फोल्डर खुलेगा इनोड का। इनोड सेटिंग किसका बोलते हैं, आप मिलीमीटर में काम करते हैं, सेंटीमीटर में काम करते हैं, इंची में काम करते हैं, चाहे डिसेंबल में, मतलब आर्किटेक्चर, मतलब सब हिसाब से तो वो सेटिंग करना होता है। तो देखिए मैं मिलीमीटर में सेट कर रहा हूँ, या डिसेंबल रखने देगा, इधर 0 रख देगा, क्योंकि मिलीमीटर में आप 2-3 नहीं रख सकते, उतना सेफ नहीं है, तो 0 में रखेगा, सभी का 0-0 कर दीजिए, क्योंकि मिलीमीटर का मतलब वही है कि आप 0-0 में करके काम कर दीजिए। अगर फीट इंच में है तो आपको डिफरेंट चूज करना पड़ेगा, इधर डिसेंबल रहना चाहिए, इधर इंटरनेशनल है, इधर अप्लाई करके इधर ओके करिए, ठीक है। तो देखिए अभी कुछ भी मैं काम किया, मेरा भी आया इधर, अभी मैं काम करेगा, देखिए जैसा मैं काम किया इधर से, मैं डाल रहा हूँ 1000 mm, mm है, ओके 1000, ओके इंटर किया, फिर नीचे में डालेगा 1000, ओके आपसे में इतना कलेक्ट करेगा। ये तो बहुत छोटा है, तो डबल ये अभी 2000 में से 2021 और 2020 में से आते हैं। अभी आपको इसका कैंसिल करके इसका एरिया में से सेलेक्ट करके डबल क्लिक करें मार्क्स से, ओके फिर 12 होएगा, कुछ इस टाइप का होएगा। अभी आप इसका डायमेंशन चेक करें, डायमेंशन चेक करने के लिए जिधर जा सकते हैं ये वाला डायमेंशन पकड़िए, ऐसा करके इधर से आप देख सकते हैं 1000 का डायमेंशन है, देखिए कुछ 1000 के भी। तो ये एक स्टेप होता है इसमें काम करने का सही। आप मेरा बहुत सारा वीडियो में देखा होगा, मैं बहुत सारा डिजाइन डोर पलर मतलब बहुत सारा ऑप्शन करते हैं, मतलब क्योंकि इसमें वीडियो बनाते हैं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इतना लंबा वीडियो बन जाता है तो आदमी लोग एक्सेप्ट नहीं करते है ना। तो इसलिए शॉर्टकट में मैं यही थोड़ा थोड़ा बात सिखा रहा हूँ, और शॉर्टकट में यही होता है कि क्योंकि इतना सारा एक ही बार में नहीं, तो मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, मेरा चैनल जहाँ मोनेटाइज हो गया तो मैं स्टेप बाय स्टेप मतलब सिंगल सिंगल स्टेप का पूरा वीडियो बना के डालेगा। बट अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, बट मैं नया ऐप के ऊपर हो गया तो, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मेरा चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाए तो मैं पूरा वीडियो डालूंगा। देखिए इसका फंक्शन के बारे में पूरा कुछ मैं बताएगा, पूरा मैथिली में भी बताएगा, हिंदी में भी बताएगा, क्योंकि हम तो नेपाल से है तो इस हिसाब से सही है, तो जो भी हमारा लैंग्वेज है मैं उसी में बताएगा सभी को, और सब साथी को मैं रिक्वेस्ट करेगा ये चीज़ का नॉलेज रखने का बढ़िया है। जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल देखा रहा हूँ, ओके ये चीज़ इधर रहना चाहिए कोई बात नहीं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ होम पेज में जाइए, होम पेज में जाने के बाद एक आप रूम बना रहे हैं सही है, यह रूम कितना है मतलब 2 मीटर एग्जैक्टली सोचो, 2 मीटर ओके 2000 × 2000 × 2000 सही है, मतलब समझो कि आपको घर का 3 वाल आ रहा है, मतलब 2 मीटर का 2 मीटर का 3 वाल आ रहा है, मतलब 1 मिनट तो गेट आ जाएगा ना, तो मतलब मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ इसका फीलिंग क्या है। तो जैसा 3 वाल आ रहे हैं तो मतलब अपना हम लोग को क्या होते हैं, एक वाल में कितना ईंट लगता है, तो मतलब ये शॉर्टकट है, मतलब आप जैसे आप जाएगा तो मिस्त्री के पास पूछेगा तो ये चीज़ क्या है, तो इसमें बहुत सारा लफड़ा बताएगा, तो ये इतना हाइड है तो क्या होएगा, तो मतलब इसी हिसाब से आप काउंटिंग कर सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ आप इस हिसाब से आप अपडेट करिए बहुत अच्छा से होगा। जैसा एक वाल का अगर स्क्वायर में है तो एक वॉल का इस तरफ से कंटून किए, इधर से एक लाइन लीजिए ओके, इस पर क्लिक करके थोड़ा इधर, मतलब मैं थोड़ा फिलहाल 200 का लाइन ले ले रहा हूँ, तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, इसका समझने का ये फीलिंग होता है सही। इसमें गया जिसका आप अपसेट करने के लिए मैं शॉर्टकट की भी बता रहा हूँ आपको, लेकर के आपको याद है ओके, तो अपसेट ले लीजिए वो प्लस इंटर करिए, अपसेट का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करिए,
ये पूछेगा आपसे कितना कप शेप चाहिए। तो एक ईटा कितना का होता है हम लोग को, 9 इंच का होता है। सही है, 8.5 होता है, तो 9 इंच जो रहता है। ओके, तो 9 ट्यूब दीजिए। 9 का मतलब हम लोग इंच में बोल देना है, बट एमएम में हो गया तो कितना है, 175, 175 एमएम हो गया। तो ओके, तो हम लोग को देना है 175 एमएम। ओके, नहीं ले रहा है सेलेक्ट। ओके, तो आप देख करिए वो कर थोड़ा सब्जेक्ट ले लीजिए, 175 इंटर करिए। ओके, तो देखिए जैसे इंटर किया 175 आ गया। फिर इंटर करिए, फिर इंटर करिए, फिर इंटर करिए, फिर इंटर करिए, फिर इंटर करिए। अब इंटर करते जाइए, एक बार आप सेट लेके इंटर करिए खाली, और कुछ नहीं देखना। सही है, देखिए तो कुछ इस टाइप आ गया। सही है, हाफ इंटर इधर आएगा। ओके, तो ये हो गया आपको 9 इंच का एक लाइन में कितना आता है। ओके, तो 9 इंच का कितना आता है मैं आपको बोल दूँ। जैसा इधर से काउंटिंग करेगा तो इधर एंड होगा। तो ये हो गया 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब आपको 11.5 इंच में एक वॉल हो रहा है 9 इंच का। ओके, बट इसका हाइट कितना है, तो हाइट कैसे काउंटिंग करेगा, 5 इंची का हेड आता है एक वॉल का। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, थोड़ा सोचिए। तो मैं इधर से एक लाइन लिया। ओके, एक लाइन लिया, मैं भी अभी 200 का लाइन लेके इंटर कर देता हूँ। ओके, इसका भी ऑफसेट कितना लेना है आपको, इसका ऑफसेट लेना है 5 इंच का। ओके, इसमें लाइन पर क्लिक करिए, ओ प्लस इंटर, एंड ऑफसेट ले लीजिए 5 5 इंच का, मतलब 125 होता है। ओके, 5 इंच का मतलब 125, तो शॉर्टकट में देखे तो 1-2 पॉइंट ज़्यादा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसमें मोटा मोटा काउंटिंग ऐसे होते हैं, बट वो महीन में उतना होते हैं। अब सेट करते जाइए, इस पर क्लिक करके आगे करिए। ओके, आपको कितना हाइट चाहिए उस हिसाब से हाइट काउंटिंग होएगा इसे। ओके, अब सेट करते जाइए, अब सेट करते जाइए, अब सेट करते जाइए, अब सेट करते जाइए, अब सेट करते जाइए। एक लास्ट अब सेट हो गया। ओके, अब इसके काउंटिंग करिए कितना इंच आ रहा है। जैसा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इंच आ रहा है। ओके, मतलब 17 इंच कैसे आया, देखिए जब 9 इंच का वॉल डालेगा ना, मतलब 5 इंच का वॉल डालेगा तो ये कीचा होते हैं 9 इंच लंबाई डालेगा, तो 9 इंच उसका हाइट होएगा, तो 5 इंच होएगा। तो देखिए इसका गुणा करें, मतलब ये 17 इंच एना आने आएगा, 17 को इंच एना आने आएगा, 11 इंच एना आने है, 11.5 इंच एना आने है। तो इसका गुणा करें कितना इंच आएगा टोटल। तो इसमें कुछ ऑप्शन भी मिलते हैं हम लोग को, तो जैसा कैलकुलेटर का भी ऑप्शन है इधर। सही है, हम लोग इससे भी कर सकते हैं। तो जैसा मुँह करके थोड़ा इधर ले लेते हैं, देखिए इसमें इधर माइनस गुणा भागा सबका चेन है। तो देखिए जैसा सब ये 12 ईंट है, तो 12 का गुणा करिए 17 से कितना आ रहा है। ओके, तो 12 गुणे 12 प्लस गुणे 17, इसमें कुछ मेट्रिक है, मतलब आप मोबाइल से भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर इसमें आपको समझ में आता है तो आता है, नहीं तो मोबाइल से भी ले सकते हो, वो तो आपको कोई भी। तो मैं इसमें कुछ सेटिंग करने पड़ता है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मोबाइल से गुना करेगा ना, तो उससे भी मालूम होगा आपको कितना आता है। तो जैसे 12 ईंटा है, हम 12 ईंटा के गुने करें, तो जैसे 12 गुने 17 करना पड़ेगा। ओके, 12 गुने 17, ओके, मतलब 204 इंच आएगा। जब 5 इंची का वाल में 204 इंच आएगा, सही है, हाइट में। सही है, अब 204 इंच ऐसा आ रहा है, तो इसका फिर भी गुना करना होगा। मतलब फिर क्यों गुना करना होगा, 204 इंच कैसे आया आप बोलेगा। तो 204 इंच इसलिए क्या आया कि 12 लाइन आ रहा है हमारा, जब आप देख रहे हैं ना ये, अब जब देखेगा तो इस लाइन में 12 इंच आते हैं, तो 12 इंच आते हैं तो ये ही लाइन का 12 हो गया ना।
जब 12 ईंट एक लाइन में आता है तो 17 लाइन में कितना आएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएगा तो अब 17 जाएगा ना, 17 स्टेप ईंट आप होंगेगा तो 204 ईंट आएगा, मतलब इसी हिसाब से पूरा पूरा वॉल का आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो एक एक वॉल का, ये दोनों एक वॉल का आता है 17 ईंट, 204, दो वॉल का आएगा 408, तीन वॉल का आएगा 612, तो मतलब ऐसा काउंटिंग होता है, सही है। तो फिर इस हिसाब से पूरा ईंट अकाउंटिंग कर सकते हैं आप, चाहे कितना बड़ा घर हो चाहे कितना बड़ा छोटा से छोटा जगह है, आप उसका स्क्वायर मात्रा निकाले बाद में उसका काउंटिंग करें, सेम प्रोसीजर। कभी आपको ए वॉल का काउंटिंग करना है तो ए वॉल में ये छोटा डाले, ए वॉल में बड़ा, मतलब एक सिंपल करके उसका काउंटिंग करें। हाइट मतलब इसमें क्या होता है, हाइट मेंशन करने का और साइड मेंशन करने का, दोनों मेंशन करके आप काउंटिंग कर सकते हैं, बहुत शॉर्टकट में आपको निकलेगा। ओके, और इसमें एक चीज़ और है, जैसे आपको कभी काम कर रहे आपको मालूम है, काम कर रहे आपको समझ में आता है कि यार ये तो बहुत है मेरा इतना नहीं करने आएगा, तो देखिए इधर से लेयर चेंज होते हैं इसका, सही है, कोई भी लेयर इसमें चेंज कर सकते हैं। ये लेयर का ऑप्शन आता है न्यू लेयर, मतलब इसमें बहुत सारा है, तो मतलब ये सब आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं ग्रीन क्या ग्रीन है, मैं इधर कुछ और करेगा ना, देखिए इसमें से मैं येलो कर देगा, देखिए लेयर के ऑप्शन होते हैं चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी छोटा सा काम था, छोटा बात किया, बट नेक्स्ट वीडियो में बड़ा बात करूँगा और पूरा वीडियो में बड़ा बनाने का कोशिश करूँगा। ओके, इसमें आप देख ही लिया कैसा कुछ टाइप का बनाने के लिए कुछ, बट इसका 3D ऑप्शन है, मैं वो भी बताऊँगा। देखिए 3D इधर से होते हैं चेंज, कुछ सेटिंग से, तो बट ये सब इतना सजीलो नहीं है, थोड़ा काम करने पड़ेगा, तो मेहनत करेगा तो ही मन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा फिर। ओके बाय, गुड बाय एवरीबॉडी।